हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एग्जाम से रिलेटेड है कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट कब अनाउंस्ड होने वाला है। जी हाँ, तो उसकी फिक्स डेट हो चुकी है जो कि 29 जुलाई है, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 जुलाई को मॉर्निंग में 11 AM पर अनाउंस किया जाएगा, जिसको हमारे शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी अनाउंस करेंगे। इसको अनाउंस करते समय बोर्ड के सभापति आर के कुंवर भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस होगा। तो फाइनली एक डेट हमें मिल चुकी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबे समय से इस डेट का वेट था कि कब जाके रिजल्ट आएगा। COVID-19 की वजह से पहले तो एग्ज़ाम्स ही लेट हुए, उसके बाद में पोस्टपोन के बाद में फिर उनको कराने में भी टाइम लगा, जिसका वेट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। तो काफ़ी टाइम के बाद में एक फिक्स डेट आई है 29 जुलाई। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ऐसे कुल मिलाकर टोटल 700 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो 700 स्टूडेंट्स को उनके एवरेज मार्क्स यानी कि औसत मार्क्स के पिछले जो उनका पुराना रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग उनको उसी पर मार्क्स दिए जाएंगे और उनके एवरेज मार्क्स पर ही उनको पास किया जाएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एकल सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, तो उनको उनके एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। उनके बारे में 29 जुलाई के बाद दोबारा एग्ज़ाम कराने के बारे में सोचा जा रहा है, तो एग्ज़ाम कराने के बाद ही उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपडेट मिल चुकी है कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 जुलाई का आएगा। तो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट अच्छे से देखें, और इस रिजल्ट की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहां जाकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट आई हुई अपडेट्स इसी प्रकार से मिल सकें। थैंक यू।